सांसद दीपेंद्र हुड्डा हैं और लगातार प्रचार कर रहे हैं हरियाणा में घूम घूम करके, अभी भी प्रचार के लिए निकल रहे हैं। हुड्डा साहब से बात करते हैं। दीपेंद्र जी, लगातार पूरे हरियाणा में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कांग्रेस का के पक्ष में हरियाणा ने मन बना लिया है, बदलाव का मन बना लिया है हरियाणा की जनता के। हरियाणा की जनता बीजेपी के 10 साल के शासन से दुखी है। कांग्रेस का हमारा अपनी प्रक्रिया है, वो हम काफी कह चुके हैं। उसी प्रक्रिया के अनुसार कांग्रेस विधायक दल की भावना के अनुरूप कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तो अपने विवेक से फैसला लेता रहा है, तो उसने कोई वही प्रक्रिया रही है हमारी कांग्रेस की सदा। अब कोई नाराज तो नहीं है कुमारी शैलजा? कोई नाराज नहीं है, कभी भी नहीं, कभी भी कोई नाराज नहीं था। वो बीजेपी के आईटी सेल में लोग नाराज हो जाते हैं और बीजेपी आईटी सेल में लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस में कोई नाराज नहीं। प्रधानमंत्री आते हैं गोहाना के अंदर और प्रधानमंत्री कहते हैं कि किस तरह से यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, पिछले 10 सालों की बात करते हैं, इन 10 सालों की बात ना करके पिछले 10 सालों की बात करते हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे? किसानों के ऊपर बोलते हैं। 10 साल के अपने काम ना बता पाए जो पार्टी उनके नेता, और वो 10 साल के अपने काम ना बताकर स्पीच अगर दें तो कांग्रेस एक लगातार आप लोगों के नाम के ऊपर निर्दलीय जो उम्मीदवार खड़े हैं वो कह रहे हैं हम दीपेंद्र हुड्डा के सिपाही हैं, हम भूपेंद्र हुड्डा के सिपाही हैं। वो हम ऐसे जो हमने एक एक जगह जाके बात की, हरियाणा में बीच इशारे पे कई बटू निर्दलीय और उसे जो चौटाला दुष्यंत चौटाला इन पार्टियों से और निर्दलीय के रूप में और कहीं गोपाल कांडा की पार्टी के गठबंधन में कई उम्मीदवार ऐसे खड़े हैं जो केवल वोट काटू का जिनका काम है, जो कांग्रेस की वोट में सेंध मारना चाहते हैं। जनता ऐसे लोगों को ना साथ देगी ना माफ करेगी। कल मनोहर लाल खट्टर के वीडियो को कैसे देखते हैं आप? जो वीडियो हिसार से जारी हुआ देख सकते हैं आप, डर लगातार कह रहे हैं कि जो निर्दलीय तौर पर और भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा का सिपाही बता रहे हैं वो केवल वोट काटू हैं।